हेलो बच्चों, मेरा नाम है धीरज। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है वो। ओबटेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4। एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके दो जीरोस हमारे को गिवन है, ठीक है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको। तो हमारे पास जो पी एक्स है वो कितना है, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। और इसके जो दो जीरोज़ हैं, एक तो है हमारे पास 5/3 और एक है माइनस 5/3। अच्छा, ज़रा आप सोचिए कि देखो x की पावर कितनी है हमारे पास, 4। तो यानी x की वैल्यूज़ भी कितनी आ सकती है हमारे पास, 4। जब x की पावर 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ सकती है, 4, जिसमें से दो तो ये रही, कह रहा है एक तो है √5/3 और एक है √-5/3। तो हमें क्या है, बाकी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो जीरोज़ गिवन हो, ठीक है, तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, और वो निकाल के हम क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना सकते हैं। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगा, उससे इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा और उससे हम जीरो निकालते हैं। तो आइए समझते हैं इसको, ऐसे करेंगे तो ऐसे तो समझ आने आना मुश्किल है, मैं आपको करके ही बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको भूल जाइए, आप यही याद रखिए कि आपके पास जीरो दो हैं। तो लेट ये वाला ज़ीरो जो है हमारे पास, इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ और इसको बीटा। एक अल्फ़ा है एक बीटा है, तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। पहले हमें क्या करना है, इन दो ज़ीरोज़ की हेल्प से इसकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है। वो क्या होएगा, √5/3 माइनस √5/3। हालांकि मेरे को सम करना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, लेकिन बीटा नेगेटिव में है तो ये आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास या सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूँ, तब √5/3 इंटू −√5/3। देखो ये तो बन जाएगा 5, रूट को √5 से करेंगे 5 बन गया, √3 को √3 से करेंगे 3 बन गया, और माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस का 5/3। अच्छा, जब हमारे पास सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगी, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो x² लिखा माइनस सम कितना है, अच्छा ये हमारे पास क्या है, इंटू एक्स होता है प्लस, ये ज़ीरो है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कितना है, −5/3। ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो बन गया, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या बन गया, x² −5/3। और ये देखिए किसके इक्वल होता है, ये सारा ज़ीरो के इक्वल, ये सारा किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एलसीएम लेता हूँ मैं, 3, ये हो गया 3x² −5 = 0। 3 यहाँ 0 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 3x² −5 = 0। यानी ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया, यानी हम मान सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया, जी एक्स। पी एक्स ये रहा, जी एक्स ये आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बाकी के दो पॉलीनोमियल्स यानी बाकी के दो हमारे ज़ीरोज़ यानी फैक्टर्स और आ जाएंगे। आइए देखते हैं, तो हमें यहाँ लिख लेता हूँ कि जी एक्स के वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3x² −5। अब इसको ये डिवाइड करेगा इसको, चलिए आप इसको नोट कर लेना, मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब करते हैं इसके आगे, देखो x की पावर यहाँ पर देखिए 4 है, तो यानी इसके 4 जीरोज़ आने चाहिए थे, दो तो इसने दे ही रखे हैं, हमें दो और फाइंड आउट करने हैं। तब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3x² −5 से हमने डिवाइड करना है, किसको, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ −2x² −10x −5। अब देखें क्या आ जाएगा इक्वल करने के लिए, क्या x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वल हो जाएगा। अब इस x² को जब मैं इससे करूँगा
तो माइनस का 5x² आएगा, तो मैं इसको एक्स क्यूब के नीचे नहीं लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर के नीचे ही लिखेंगे। तो माइनस माइनस और ये बन गया प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, प्लस का 5x² माइनस का 2x², ये आ जाएगा प्लस का 3, पहले ये लिख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा डिग्री के है, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5। अब यहाँ देखें 3x² है और यहाँ 6x³ है, तो यानी 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x, तो यहाँ आ जाएगा 6x³। अच्छा, मैं 2x को जब इससे करूँगा तो माइनस का 10x आएगा, तो देखिए माइनस माइनस, तो ये तो प्लस बन गया, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 3x² माइनस 5, और ये भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x² को 3x² ही बनाना है, यानी 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 5, और ये हमारे पास 0, रिमाइंडर बचना ही था हमारे पास 0, क्योंकि हमने उसी के फैक्टर से एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाया और उससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। तो जो हमारे पास कोशेंट आता है, अब इस कोशेंट को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करेंगे और x की बची हुई दो वैल्यूज़ निकालेंगे, क्योंकि चार वैल्यूज़ आनी थी, दो उसने गिवन दे रखी थी और दो हमें निकालनी है। तो देखो इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, x² प्लस x प्लस x प्लस 1 से ब्रेक कर सकते हैं इसको, कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, तो ये आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, ये क्या होता है हमारे पास, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हैं, ये 0 के इक्वल होता है असल में। अच्छा, अब देखो किन्हीं दो का प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है, या तो ये 0 बन रहा हो या फिर ये 0 बन रहा हो, तो हम पहले इसको रख के देखते हैं 0, फिर इसको रख के देखते हैं 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ आ रही है माइनस 1। अच्छा, इस वाले को रखते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ रही है, माइनस 1। तो हमारे पास चारों एक्स की वैल्यू आ गई, शुरू वाले एक्स की वैल्यू क्या थी, 5/3 रूट में, फिर थी हमारे पास रूट में -5/3, फिर आ गई हमारे पास -1 और इधर आ गई -1, तो x की पावर 4 था और हमारे पास चारों जीरोज इसके आ गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तो ही प्रैक्टिस होगी। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।